20 रन चाहिए थे 6 बॉल में, वो भी हर्षल पटेल के ओवर में, और डिफेंड हो गए भाई। ये आरसीबी ही है ना भाई। 23 अप्रैल की शुभ तारीख को आरसीबी के साथ बुरा तो होते हुए बहुत देखा है, लेकिन पहली बार किस्मत ने उनका साथ दिया, उनको मैच जिताया, ये बात हजम नहीं हो रही है। खैर, विराट भाई की तो सारी किस्मत आरसीबी को मैच जिताने में ही लग गई, तभी शायद फिर से लास्ट ईयर के आईपीएल का फेवरेट स्कोर बना के आए हैं। वांटेड भाई, अरे क्या किया तूने? बरसों बाद दिल के थिएटर में एक पुरानी फिल्म लगी थी, एक शो भी चलने नहीं दिया तूने। बट भाई कुछ भी कहो, ये थ्रिलिंग मैच कमजोर दिल वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं था। और माना आरसीबी मैच जीत गई, चोक भी नहीं करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है, जिसके बारे में हम वीडियो में और आगे बात करेंगे। माना राजस्थान ने भी अच्छी फाइट बैक दी, लेकिन अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से वो भी मैच हार गई। ध्रुव जुरेल जितना इंप्रेसिव तो इस सीजन में कोई यंगस्टर नहीं रहा है। ये लड़का लगता है आईपीएल के अपने पहले सीजन से ही इंडियन टीम में सीधा एंट्री मार लेगा। इंटरनेशनल लेवल की फिनिशिंग करता है, वो भी कंसिस्टेंटली हर मैच में ऑलमोस्ट। जब जब अपॉर्चुनिटीज मिली है तब तब परफॉर्म किया है बंदे ने, अनलाइक सम प्लेयर्स। लेकिन इस बार किस्मत बुरी कहे या किस्मत अच्छी ये नहीं पता, लेकिन मैं तो इस बार बोलूंगा किस्मत अच्छी ही थी जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे रह गया। वरना तुम्हें भी पता है, अगर ये मैच जिता देता तो टॉक्सिक आरसीबी फैंस से रात भर इंस्टाग्राम पे गालियां खाता रहता। वैसे गालियों से याद आया, बोल्ट भाई को भी थोड़ी सी तो पड़ी होगी। आरसीबी को फिर से क्रिकेट में फुटबॉल जो खिला दिया, और वो भी तुमने ग्रीन जर्सी वाले कैप्टन विराट कोहली को गोल्डन डक पे आउट कर दिया। पर देखो, मानते हैं कोहली भाई के रनों में कमी रही होगी, लेकिन कैप्टेंसी में इस बार भी कोई कमी नहीं थी। अब तो 2 मैच लगातार जीत लिया यार, वो भी डिफेंड करते हुए। इस बार झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आरसीबी अंडर विराट कोहली कुछ अलग ही एनर्जी से खेल रही है। साहब भाई, आप बैटिंग के लिए आया करो, हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? एंड भाई लोग, आई हैव टू एडमिट, हर्षल पटेल अंडर विराट कोहली कैप्टेंसी इज अ बीस्ट यार। फैफ की कैप्टेंसी के अंदर यही बंदा हर्षल पटेल जैसी ही बॉलिंग करता है, लेकिन कोहली के आते ही पर्पल पटेल कैसे बन जाता है पता नहीं, कैसे अंदर का डीजे ब्रावो जाग जाता है और एकदम डेथ स्पेशलिस्ट हो जाता है। देखो, लास्ट ओवर में मैच तो जिताया ही, साथ ही साथ अश्विन नन्ना को भी आउट करा, लेकिन गेम तो इसने पलट दी थी संजू सैमसन को आउट करके। पिछले 2 मैच की परफॉर्मेंस उठा के देखो तो 2 साल में ऐसी इकोनॉमी नहीं आई। और खैर, इस बार तो थोड़ा क्रेडिट मुझे जाता है, क्योंकि तुम्हारे भाई का भी वाइस कैप्टन था ही। और सिर्फ हर्षल ही नहीं, पूरा बॉलिंग अटैक इंक्लूडिंग डेविड विली एंड सिराज एकदम एक्यूरेट और प्रिसाइज बॉलिंग कर रहे थे कल, और साथ में फील्डिंग भी एकदम अलग लेवल की थी। देखो, सुयश पे खराब बैटिंग करने का गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हेटमेयर को रन आउट किया ना, एकदम अपना अपना सा लगने लग गया बंदा। एंड सिराज मियां अर्शदीप से वापस पर्पल कैप अपने पास ले आए। पावर प्ले में इस बंदे की कंसिस्टेंसी अनरियल और अनमैचेबल है। इवन बोल्ट से भी ज्यादा डॉट बॉल्स डाली है सिराज ने पावर प्ले में। और कोहली भाई की विकेट का बदला लिया सीधा बटलर को आउट करके, वो भी डक पे। वैसे असली बदला तो लास्ट ईयर के क्वालिफायर 2 से चलता आ रहा है, जब बटलर ने इन सब बॉलर्स को धोया था। और सिराज में आपका लाइन और लेंथ पे कंट्रोल तो अच्छा हो गया, लेकिन ये गुस्से पे कंट्रोल कब आएगा भाई? जो भी दिखता था उसको डांट देते थे, चाहे गलती खुद की क्यों ना हो। और ये चीज तो अब हम देख देख के थक चुके हैं कि हर एक आरसीबी प्लेयर की बेस्ट परफॉर्मेंस आरसीबी के अगेंस्ट ही क्यों निकलती है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये लाइन देवदत्त पडिक्कल की बैटिंग ने कल आरसीबी के लिए बोली थी। बंदे ने वैसे फुल टू ऑडिशन दिया टीम को कि बाय चांस राजस्थान अगले सीजन रिलीज कर देती है तो आरसीबी सीधा पिक कर ले। लेकिन भाई, पडिक्कल ने चाहे धोखा दिया हो, हेटमेयर दिल से आज भी ट्रू आरसीबी नहीं निकला। पूरी जान लगाई है भाई ने टीम को मैच जिताने के लिए। एक ही दिन में चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी दोनों मैच जीत गई। मेरा सवाल है मुंबई के फैंस से, कल नींद कैसी आई तुम्हें? क्या चल रहा है रे? क्या चल रहा है तेरा, चल रहा है नहीं? मुझे तो बदबू आ रही है। ए मजनू, उड़ जरा जरा पलट, ए देख पीछे से धुआं निकल रहा है। भाई चेन्नई सुपर किंग्स की विन को भी मैंने कवर किया हुआ है, उसको भी जाके चेकआउट कर लेना, लेकिन पहले ये वीडियो पूरी देख लो। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 3 टीके कर लेंगे यार इस महीने। भाई आरसीबी के मिडिल ऑर्डर से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सुधर जाओ। फैफ ड्यू प्लेसी कब तक तुम्हारी गलतियों का बोझ अपने सर पे लेके घूमता रहेगा? 4th कंसेक्यूटिव 50 लगा दी बंदे ने, और इंजरी के बावजूद भी इतना अच्छा खेल रहा है। यहाँ तुम्हारे पूरे मिडिल ऑर्डर से मिलके 50 रन नहीं बन पा रहे। अरे, ऐसी इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस देख के एक आध बंदा थोड़ा रन मार देता है। फैफ की जितनी तारीफ करोगे उतनी कम है। कल तो आरसीबी के लिए फैफ भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर अच्छा खेला, और हर्षल पटेल भी। अपनी कैप्टनसी को साइड में रख के बंदा टीम के लिए सिर्फ एज अ बैट्समैन ही खेल रहा है, और उसमें भी अपने आप को आउट परफॉर्म कर रहा है हर मैच में। और ऑफकोर्स यार, तुम्हारे भाई ने भी कैप्टन बनाया था गेम्स ही पे, तभी तो परफॉर्मेंस भी तो इतनी अच्छी आई है। हर्षल वाइस कैप्टन था, फैफ भाई कैप्टन थे, कुछ तो क्रेडिट मुझे भी देना चाहिए आरसीबी को। आरसीबी फैंस, मुझे यूपीआई कर देना। तेरा बाप यार छोड़कर गया था कि तेरी माँ? भाई झूठ नहीं बोलूंगा, अब तो विश्वास होने लग गया है कि मेरी गेम्स की टीम में कुछ अलग ही पावर है, और मैंने सोच लिया है आज के मैच में कुछ क्रेजी करने वाला हूं। देखो, मेगा कॉन्टेस्ट पे वैसे ही ऑफर्स चल रहे हैं बहुत सारे, जिससे तुम्हारा एंट्री कोड का प्राइस कम हो जाता है। अगर तुम आज के मैच में ये वाला कोड यूज करोगे तो तुम्हें एंट्री फी पे डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी कोड को यूज करके डेली कैपिटल्स के लिए एक ही मेगा
का कॉन्टेस्ट ना सीधा 11 टीम्स बनाई जाए, और वैसे भी 10 टीम पे एक टीम तुम्हें गेम्स ही खुद फ्री देती है, जिस टीम में मैं पृथ्वी शॉ को कैप्टन बनाने वाला हूँ, क्योंकि उस पे तो पैसे लगाना मेरे बस की भी बात नहीं है। खैर, तुम लोग भी मेरी तरह अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बना सकते हो, इस कॉन्टेस्ट में उतार सकते हो आज के मैच के लिए। और क्योंकि तुम जानते हो कॉम्पिटिशन इतना कम है और तुम अच्छे से अच्छे प्लेयर ले सकते हो अपनी टीम में, इसलिए जितनी ज्यादा टीम्स बनाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा। चाहे तो तुम अपने विनिंग चांसेस बढ़ाने के लिए लाइव फैंटेसी भी खेल सकते हो, जिसमें तुम हर मैच में 5 ओवर की टीम अलग से बना सकते हो, और अगर तुम्हारी टीम्स अच्छी हुई तो तुम अपनी विनिंग्स को 3 गुना कर सकते हो यहाँ पे। अब आज के मैच में मैं दिल्ली के लिए 11 टीम्स बनाऊंगा, जिसमें मैं हर एक टीम में दिल्ली के हर एक अलग प्लेयर को कैप्टन बनाने वाला हूँ, और हैदराबाद के हर एक अलग प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाने वाला हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा, क्या पता भाई इससे ही पूरी टीम फॉर्म में आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम का एक्सपेरिमेंट भी काम कर गया था। बाकी इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें टीम्स दिखा ही दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो, साइन अप करो, एंड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते समय कोड यूज कर लेना। देखो, प्रॉब्लम आरसीबी की यहाँ पे ये है कि पहले 13 ओवर में इन्होंने 140 रन मारे और उसके अगले 7 ओवरों में केवल और केवल 50 रन आए। ये बहुत ही ट्रबलसम बात है, और मैं नहीं चाहता कि ये जीत की वजह से ये टीम डिस्ट्रैक्टेड हो जाए और इस चीज पे ध्यान ना दे। बेचारा मैक्सवेल इतना कंसिस्टेंटली तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नहीं परफॉर्म करता जितना उसको आरसीबी के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि पता है भाई नीचे और कोई खेलेगा ही नहीं। हर टीम का एक सिंपल फॉर्मूला है, किसी भी तरह से 15 ओवर के पहले आरसीबी के टॉप 3 को अगर आउट कर दिया तो उसके बाद तो चांदी ही चांदी है, पूरा मिडिल ऑर्डर अपने आप तुम्हारे सामने हगेगा, तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। डीके भाई की बैटिंग इस सीजन इज नथिंग लेस देन अ डिसअपॉइंटमेंट, और साथ में एक अच्छा नंबर 3 ना होना इस बैटिंग की पूरी नींव हिला देता है। एंड अब टाइम आ गया है कि इनको कुछ हार्ड डिसीजंस लेने होंगे, अपनी प्लेइंग 11 में थोड़े चेंजेस करने ही पड़ेंगे, हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। इस सीजन के आईपीएल में केजीएफ ट्रायो ने मिलके ही इस टीम के 74% रन बनाए हैं अकेले। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। और अब मैं तुम्हें आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता हूँ। देखो, मैक्सवेल अभी तक चिन्नास्वामी में बहुत अच्छा खेला है, बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये बैटिंग ग्राउंड है और मैक्सवेल जैसा प्लेयर यहाँ चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर टीम के होम ग्राउंड पे जाके ऐसा ही परफॉर्म कर पाए। एंड अगला मैच केकेआर के साथ है, उसके बाद इनके 5 मैचेस होने वाले हैं दूसरी टीम्स के होम ग्राउंड्स में, जहां पे कोई गारंटी नहीं होगी कि केजीएफ खड़े होकर संभाल पाए, क्योंकि सारे ग्राउंड्स की पिचेस ऐसे फ्लैट ट्रैक्स नहीं होने वाले। इनको मिडिल ऑर्डर अपना स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, और उसके लिए एक ही चारा दिख रहा है मुझे, हसरंगा को अभी के लिए ड्रॉप किया जाए और उसकी जगह ब्रेसवेल को लाया जाए प्रेफरेबली, या फिर फिन एलन भी चलेगा। ब्रेसवेल ऑब्वियसली एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन देता है, इसलिए मेरी चॉइस है। बैटिंग को बचाने के लिए इट्स अ रिस्क वर्थ टेकिंग, बिकॉज स्पिन ये लोग करण शर्मा से भी करा सकते हैं, एंड जब हसरंगा नहीं भी था तब भी वो परफॉर्म कर ही रहा था और इतनी बुरी हालत नहीं थी टीम की। साथ में शाहबाज अहमद, ग्लेन मैक्सवेल ऑलरेडी स्पिन कर ही लेते हैं, तो इनके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन हो ही जाएंगे। अब ऑब्वियसली इस चीज को अपने हिसाब से रोटेट किया जा सकता है, जो कोचेज वगैरह को मुझसे ज्यादा पता होगा, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि तुम्हें मिडिल ऑर्डर में एक फॉरेन बैट्समैन अब उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडियन सब खिला के देख लिए, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा। टूर्नामेंट और सीरियस होता जा रहा है, और माना टीम अभी अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन कब तक इसको होल्ड कर पाएगी ये डिपेंड करेगा कि इनकी बैटिंग कैसा परफॉर्म करती है, और अगर हर साल की तरह चोक नहीं कर रहा तो बेहतर है कि इस विषय पे अभी से ही काम चालू हो जाए, वरना चाहे फिर प्लेऑफ्स निकाल ले, लेकिन फाइनल्स में आके ऐसे ही हगेंगे तो क्या फायदा। भाई तुम्हें पता है आज राजस्थान मैच कहाँ हारी? रियान पराग को टीम में ना लेना, क्या पता तुम्हें रियान पराग ही इनका लकी चार्म था। भारी मिस्टेक हो गया सर। नहीं भाई नहीं, इतना झूठ नहीं बोला जाएगा मुझसे। खैर देखो, मैच से पहले इस टीम ने पूरी कोशिश करी थी आज का मैच जीतने की कुछ अच्छे डिसीजंस लेके, लेकिन मुझे लगता है मैच के दौरान कुछ खराब चॉइसेस की वजह से ये मैच से हाथ धो बैठे। अश्विन अन्ना को फिनिशिंग के लिए भेजना होल्डर के होते हुए थोड़ा क्वेश्चनेबल डिसीजन तो है यार, पर सबसे बिजार चीज ये कि 200 के स्ट्राइक रेट से जुरेल, जो दूसरे एंड पे खड़ा मार रहा था, उसको सिर्फ एक बॉल खेलने को मिली लास्ट ओवर में, जहां 20 रन चाहिए थे। असल में इनको 19th ओवर की सेकंड बॉल पे वो 2 रन भागने ही नहीं चाहिए थे, अश्विन भाई को सिंगल लेके जुरेल को स्ट्राइक दे देनी चाहिए थी, क्या पता बंदा वहां से मैच जिता के एक पूरा स्टार बन जाता, क्योंकि जैसा ये खेल रहा था मुझे पूरा भरोसा है कि ये वहां से मैच जरूर जिता सकता था, और हम शायद आरसीबी को एक बार फिर से चोक करता हुआ देखते। ऊपर से जब अश्विन आउट होते हैं तो 2 बॉल में 10 रन चाहिए, ऐसी सिचुएशन में भी तुम एक इनएक्सपीरियंस यंगस्टर पे भरोसा दिखा सकते हो, लेकिन जेसन होल्डर जो कि एक प्रूवन फिनिशर रह चुका है उस पे भरोसा नहीं दिखाओगे? अरे उसको ट्राई करके तो देखो भाई, वो वेस्ट इंडियन प्लेयर है, धो देगा बॉलर्स को। अभी तक उसको एक बार भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है खेलने की ढंग से, ऐसा लग रहा है 6 करोड़ में इन लोगों ने जेसन होल्डर को सिर्फ बॉलिंग कराने के लिए रखा हुआ है, जबकि वो बहुत आसानी से एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर की तरह यूज किया जा सकता है, और मुझे तो लगता है आज अश्विन भाई से भी पहले आना चाहिए था उसको। खैर ठीक है भाई, यू विन सम यू लूज सम, लगातार अब 2 मैचेस हार लिए, लेकिन फिर भी टेबल पे इनकी पोजीशन अच्छी ही है, और क्योंकि टीम अच्छी है तो मुझे लगता है अगले मैच में फिर से बाउंस बैक कर लेगी। बस आर्यन पराग को अंदर मत लेना। ना ना, ऐसा गलत काम ना करना जी।
तो भाई दिल्ली वर्सेस हैदराबाद दोनों से मुझे बहुत उम्मीदें थी इस सीजन, लेकिन दोनों ने मेरी उम्मीदों पे मूत्र विसर्जन कर दिया। एक 10वीं पोजीशन पे बैठी है और एक 9वीं पे। अब देखो इस मैच की गेम्स ही की मैं तुम्हें कुछ टीम्स दिखा देता हूँ, वो स्क्रीन पे आ जाएंगी, और बाकी की टीम्स तुम CSK वर्सेस KKR की वीडियो में देख सकते हो, और प्रेडिक्शन में उसी में करने वाला हूं, वो भी अपलोड हो चुकी होगी तो उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। खैर तुम लोग गेम्स को डाउनलोड करना मत भूलना, साइन अप करके अपनी टीम बना लो, मेरा कोड पाहुल यूज करोगे तो तुम्हें और डिस्काउंट्स और बोनसेस मिलेंगे। पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही, डाउनलोड यहां से कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर इंस्टाग्राम पे चेकआउट नहीं करा है तो भाई को चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। I'm trying to trust you, but I'm doing it.